जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। आज मेष राशि वालों को आपको भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग भी बन रहे हैं। कोई गुड लक शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को आपको आज के दिन किसी पद पर पदस्थ हैं तो नए पद की प्राप्ति हो सकती है, अथवा आप अन्यत्र क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन लोहे से संबंधित वाहन इत्यादि से सचेत सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव बेचैनी भी हो सकती है। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको भाग्य का उदय होगा, कृषि आदि क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हो सकता है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन स्त्री पीड़ा अथवा विद्या अध्ययन में सफलताएं में बाधा आ सकती हैं। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को आपको आज से घर परिवार वालों से एवं मित्रों से अच्छे संबंध रहने के भी योग बन रहे हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन भूमि से संबंधित लाभ होगा, जैसे कृषि अथवा आप जमीन जायदाद प्लॉटिंग का क्रय विक्रय करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम कारक है। आप मूंग रत्न और पहने जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन उच्च किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो नए पद की ओर आप जा सकते हैं। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन आपके लिए चंद्रमा ज्यादा ठीक नहीं है। आपको आज के दिन वाहन इत्यादि से सचेत और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन यदि आप दुग्ध चीनी जैसे मिलों को आप लगाते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा, जो कि आपको किसी विशेष लाभ को प्राप्त करा सकते हैं। आप नीलम रत्न धारण करें अथवा श्री हनुमान जी की आराधना करें। ओम प्राम प्रीम प्रूम सम सनश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का जप करें। अश्वत्थ माने पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलावें सूर्यास्त के समय। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन कोई फोन अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से शुभ संकेत शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।